भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और तो और घर में प्याज भी है, पर यार जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है, कोई लड़की कौन है यार। भाई मेरी जिंदगी में तो ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना बंगला है, ना घर में प्याज है और लड़की लड़की तो भाई दूर दूर तक भी कोनी। भाई मेरी जिंदगी में तो आगे लड़की देख कितनी मस्त लड़की है और तू देख यह बनेगी तेरे भाई की सेटिंग, ईब जागा पटाई। यार मैं ना तेरा बहुत प्यार करूं, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। क्या? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। अरे तो अब जान जाएगी, जैसा घर बोलेगी वैसा घर दूंगा, जोन सी गाड़ी बोलेगी वो वाली गाड़ी दूंगा, बिल्कुल रानी बना के रखूंगा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। ये ले, आई लव यू, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। चल जा दे दे अपने दोस्तों को पार्टी। वे मैं तो तेरे उत्ते सेंटी होई वाली फिरदी, कदे किसे नु ना दित्ता सीगा पा जन वे। यार बेबी हमें कितना टाइम हो गया साथ रिलेशन में रहते हुए, अब हम शादी कर लेते हैं ना प्लीज। यार क्या तेरा हर बार शादी शादी शादी, जब देखो जब शादी कर लेते हैं, कर लेंगे ना शादी। यार बेबी तुम हर बार यही कहते हो कर लेंगे, आखिर कब करेंगे हम शादी। यार बेबी ऐसा नहीं है कि अगर हम लव मैरिज करेंगे तो मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक अच्छी बहू और एक अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी और मैं तुम्हारी मम्मी की सारी बातें मानूंगी और मैं तुम्हारा भी पूरा पूरा ख्याल रखूंगी और मैं घर का भी सारा काम करूंगी। प्लीज बेबी हम शादी कर लेते हैं ना प्लीज। अच्छा चल अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों से हमारी शादी की बात कर लेता हूँ, ठीक है? अब खुश है? मेरी मती मारी गई है, स्वेटर तो पहन लिया, शॉल तो ओढ़ी नहीं। शॉल लगता है उस कमरे की अलमारी में है, अभी लेके आती हूँ। अरे वाह मेरी बहू तो मेरे बेटे की सेवा कर रही है, अच्छा किया मेरे बेटे ने लव मैरिज की, नहीं तो ऐसी बहू तो मैं शायद जिंदगी भर नहीं खोज पाती। अच्छा है उसकी खूब सेवा करेगी और दोनों बहुत खुश रहेंगे। मेरी भी मती मारी गई, शॉल लाना तो फिर भूल गई, लेके आती हूँ। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। हे भगवान घोर कलयुग, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मारा। अरे वाह मेरी बहू तो बड़ा काम कर रही है, बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे, पूरा घर संभाल लिया इसने और मेरा बेटा वो सुबह से लेके शाम तक ऑफिस संभालता है, कितना काम करता है। मेरा बेटा हीरा है हीरा, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। अच्छा और आपको ये नहीं पता कि वो सिगरेट भी पीते हैं? क्या बोल रही है तू, बिना मतलब के मेरे बेटे को बदनाम करेगी तू? तू पत्नी है कि उसके दुश्मन? मेरा बेटा और सिगरेट के पास सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो ऐसे आदमियों के पास फटकता भी नहीं है जो सिगरेट छूते हो। तू बोलियो पीता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है मेरा बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अरे मम्मी जी आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? ठीक है जब आज वो ऑफिस से घर आएंगे ना तो मैं आपको उनके मुंह से ही सुनवा दूंगी कि वो सिगरेट पीते हैं। ठीक है आने दे, देख लूंगी मैं भी। बड़ी आई मेरे बेटे को बदनाम करने वाली, मेरा बेटा हीरा है हीरा। वो तो पता ही चल जाएगा हीरा है या कोयला। तो कितनी सिगरेट पी आज? पागल है क्या, मैं सिगरेट नहीं पीता,
अच्छा, और लास्ट टाइम ड्रिंक कब की थी? अरे तेरे को बोल दिया मैं सिगरेट दारू नहीं पीता, तो क्यों मेरा सर खा रही है? अच्छा, खाना माँ कसम? अच्छा, मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी मम्मी की कसम खाऊं? मैं माँ कसम नहीं खाता। अच्छा चलो ये बता दो कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उसमें मेरी गलती थोड़ी थी, वो तो ट्रक वाले ने पीछे से आगे ठोकी थी। अच्छा, खाना माँ कसम? माँ कसम ट्रक वाले ने आगे ठोकी थी। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम माँ कसम खाते ही नहीं। ओए माँ। अरे यार तेरे को तो सब पता ही है, कभी कभी हो जाता है, छोड़ना। मम्मी जी। कुत्ते कमीने, तू भी अपने बाप जैसा निकम्मा ही निकला। शराब पीता है, सिगरेट पीता है, जो अभी खेलता ही होगा और पता नहीं क्या क्या करता होगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी, भगवान ने भी पता नहीं मुझसे किस जन्म का बदला इसको मेरे घर में पैदा करके। हीरा समझती थी हीरा, तू तो कोयला निकला। ये मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसने मेरी आंखें खोल दी। बेटा देख, आगे से कभी भी कुछ गलती करे तो तुरंत मुझे बताना, ठीक है? तू तो मेरी प्यारी बहू है, प्यारी बहू। सुनो, अरे सुबह हो गई, कब तक सोगे? उठ जाओ ना, उठ जाओ। मम्मी जी देखना, ये अभी तक सो रहे हैं। मम्मी जी देखना, ये सोफे पे चप्पल पहन के लेटे हैं। मम्मी जी देखना, मम्मी जी देखना, मम्मी जी देखना। नहीं, क्या किया तूने? ये अपनी माँ के नजरों में राम हुआ करता था मैं, और तूने मेरे को रावण बना दिया। अब अगर किसी को किसी की नजरों में ऊपर उठना है तो किसी ना किसी को तो नीचे गिरना पड़ेगा ना। आज से तुम इस घर के रावण हो और मैं इस घर की सीता। अच्छा, अगर तेरे से शादी ना की होती ना तो तेरा सीता हरण कर लेता। आई बड़ी सीता। बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? क्या हुआ? नहीं, क्या लगा रखा है? मुझे आके कहती है कि सुबह जल्दी सो के उठना, नहीं तुम ही बताओ कि मैं सुबह लेट सो के उठती हूँ। अरे यार बोल दिया होगा मम्मी ने ऐसा, क्या हो गया? कैसे बोल दिया यार? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। बेटा खाना बनाएगी ना तो उसमें तेल और मिर्ची थोड़ा कम डालना, ठीक है? सुनो, तुम यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और एक तुम्हारी माँ है, जब देखो मुझे खरी खोटियाँ सुनाती रहती हैं। नहीं, उनको क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे जब मुझे खाना बनाना नहीं आता तो बाहर से क्यों नहीं मंगवा के खा लेती? क्यों नहीं लाके उनको होटल से खाना दे देते? नहीं, खाना भी मेरे हाथ का खाना है। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। सुनो बेटा, थोड़ा ना सिर पे पल्लू रख लिया करो। नई नई शादी हुई है ना तो बिना पल्लू के अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, है ना? ठीक है। तुम्हारी मम्मी का बहुत हो रहा है, ये क्या पल्लू कर ले, पल्लू कर ले। नहीं, अगर मैं ब्रश करने जाऊं तो पल्लू करके जाऊं, मैं बाथरूम में जाऊं तो पल्लू करके जाऊं, कपड़े धोऊं तो पल्लू करके धोऊं, मतलब पोछा लगाऊं तो पल्लू करके लगाऊं। मेरा तो जीना हराम करके रखा हुआ है। नहीं, शादी से पहले तो तुमने कहा था रानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रखा हुआ है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है जब से ये शादी की है ना, मतलब तुमने मेरी लाइफ। मतलब तुम एक काम वाली बाई को देख रहे हो?
अरे मैं काम वाली बाई को नहीं देख रहा था, वहां देख रहा था दीवार पे। दीवार पे क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था बस। अच्छा बताओ ना क्या सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं सोच रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। ऐसे कैसे तुम दीवार को देख सकते हो? कुछ तो सोच रहे होगे। अरे हम मर्द अपने घर की दीवार को देख सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। किसके बारे में सोच रहे थे मुझे बताओ अभी के अभी। अरे किसी के बारे में नहीं सोच रहा था मैं, बस बैठ के दीवार देख रहा था। कोमल के बारे में सोच रहे थे ना? कौन कोमल? हाँ अब तुम्हें नाम कहाँ से याद रहेगा, तुम्हारा तो पूरा ध्यान उसकी फिगर पे रहता है ना। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। बताओ मेरी फ्रेंड का नाम क्या है? बताओ क्या नाम है मेरी फ्रेंड का? पायल। वाह बड़ा तुम्हें पायल का नाम याद है। सच सच बताओ चुड़ैल के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? अरे मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा उसके साथ, तूने अपनी फ्रेंड का नाम पूछा मैंने बता दिया, इसमें मेरा प्यार कहाँ से आ गया बीच में? तुम चाहते क्या हो? शांति। कौन शांति? अब ये शांति कौन है? अरे मैं शांति से बैठ के अपने ही घर की दीवारों को देखना चाहता हूँ बिना तेरी बक 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 सुने। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। थैंक यू। हाँ ये वाली ड्रेस मेरी फ्रेंड के लिए अच्छी लगेगी। बेबी क्या सोच रहे हो? बताओ ना क्या सोच रहे हो। बेबी ये मेरा दोस्त है, मैं इसको लंच पे लेके आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? तुमने पूछा मुझसे? मेरी हालत देखो, घर की हालत देखो, खाना कौन बनाएगा? नौकरानी समझ के रखा हुआ है। अभी क्या अभी लेके निकलो इसे यहाँ से। पागल शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा इसको एक बार डेमो ही दिखा दूं। क्या बोला तुमने? गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ अभी के अभी। और गाइस जो रचित की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, ताकि वो अगली वीडियो कोई भी बनाए तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइस और मेरे को ये जरूर बताना कि आप लोग लव मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ आप लोगों की क्या थिंकिंग है लव मैरिज के लिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। ओ सारा पिंड देखू खड़के, उना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सुनिया।